डियर स्टूडेंट्स, हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसके दो पार्ट पहले हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 16 में पार्ट ए, लेक्चर नंबर 17 में पार्ट बी कवर किया था। आज लास्ट पार्ट हम कवर कर रहे हैं इस लेक्चर नंबर 18 के अंदर। ठीक है, तो देखिए, ये एक क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन में हमने बिलियर्ड टेबल तक तो कर लिया था हमने, ठीक है, इसके आगे। तो देखिए, उसके बाद में एक्स में था कोरोना करोन रिसर्च, ये भी लेक्चर वन में कवर हो गया था। चैरिटी शो कवर हो गया था। अपकीप अप ग्राउंड, अपकीप अप ग्राउंड यानी ये ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड का मेंटेनेंस। अपकीप अप ग्राउंड यानी ग्राउंड का मेंटेनेंस, यानी ये हमारा एक एक्सपेंडिचर हुआ। सो इसको हम एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। टू अपकीप आप ग्राउंड्स 22,000 रुपीज, ये हमने एक्सपेंसेस होता है एक्सपेंसेस में दिखा दिया। उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स दिया है 4,000 रुपीज, ये भी हमारा एक एक्सपेंसेस होता है। सो इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस साइड में म्यूनिसिपल एक्सपेंसेस दिखा देते हैं। अमाउंट है हमारा 4,000 रुपीज, ये लिख दिया। म्यूनिसिपल टैक्स में एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, वो हम देखते हैं। तो देखिए, एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, म्युनिसिपल टैक्स अमाउंटेड टू 4,000 इज पेड फॉर अ ईयर। म्युनिसिपल टैक्स जो हमने पेमेंट किया है, ये एक साल के लिए पेमेंट किया है। और ये कब तक का है पेमेंट है? अप टू जून 2020, आगे लिखा है ना, अप टू 30 जून 2020। हमने म्युनिसिपल टैक्स एक साल का पेमेंट किया है और जून 2020 तक पेमेंट किया है, जबकि हमारा अकाउंट बन रहा है मार्च तक का। अकाउंट बना रहे मार्च तक, पेमेंट कर दिया जून तक, यानी कितने महीने का प्री पेड हो गया, एडवांस में पेमेंट हो गया, अप्रैल मई जून ऑफ 2020, यानी तीन महीने का हमने अगले सेशन का पेमेंट कर दिया है, वो प्रीपेड हुआ, इसलिए माइनस कर देंगे। लेस प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर, कितना 4,000 रुपीज एक साल का है, तो तीन महीने का 4,000 × 3/12, तो 1,000 रुपीज ही हमने माइनस कर दिया, ये नेक्स्ट ईयर कैरी करेंगे। तो प्रीपेड आता है बैलेंस शीट में, इससे क्लोजिंग है, अगले साल ट्रांसफर करना है हमको, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम दिखा देंगे इसको। प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स 1,000 रुपये हमने ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद में अब यहां पर कुछ ऑथर्स का ये कहना रहता है कि भाई 12 महीने का पेमेंट किया था, इसमें 3 महीने तो अगले साल के हो गए, बाकी 9 महीने इस साल के हो गए, तो इस सेशन की शुरुआत के 3 महीने का क्या होगा? फिर से बोल रहा हूं, कुछ लोगों का कहना रहता है, कुछ ऑथर्स का ये कहना है, 4,000 रुपये हमने पेमेंट किया है जून तक का, मतलब जुलाई से जून तक हुआ, तो इस सेशन के जुलाई 19 से मार्च 20 तक के 9 महीने प्लस 3 महीने अगले साल के, ऐसे करके हमने पेमेंट किया। वो तो ठीक है, वो तो समझा दिया मैंने भी आपको, लेकिन इस जुलाई के पहले के जो 3 महीने इस सेशन के हैं, अप्रैल मई जून 2019, उस 3 महीने का क्या हुआ? उस 3 महीने की टैक्स कहां गई? तो जैसे हमने अगले साल के लिए 3 महीने का एडवांस 1,000 भर दिया है, वैसे लास्ट ईयर भी एडवांस में भर दिया होगा 1,000 रुपया, वो 1,000 रुपये इसमें एड करना चाहिए, तो गलत क्यों है मेरे हिसाब से वो बता रहा हूं। जरूरी है कि लास्ट ईयर टैक्स लगी थी, अभी जुलाई से टैक्स लगना शुरू हुई हो तो पहले के 3 महीने हमको टैक्स लगनी ही नहीं थी, तो हम कैसे मान लें कि लास्ट ईयर वो प्रीपेड थी, लास्ट ईयर एडवांस भी इस साल की बढ़ती थी। तो टैक्स में ऐसा नहीं होता कि हर साल भरना पड़ता है, कई टैक्सेस ऐसी होती जो बीच के सेशन की शुरुआत होती है, तो अभी टैक्स हमको जिस आइटम पे म्युनिसिपल टैक्स लग रहा है, जिस प्रॉपर्टी पे या जहां पे भी लग रहा है, वो हो सकता है इसी साल से शुरू हुआ हो। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि हमारे इस जुलाई से हमने जो टैक्स भरी है, इसके पहले के 3 महीने के क्या हुआ। क्वेश्चन साइलेंट है तो वो कोई टैक्स प्रीपेड पिछले साल भी होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो नहीं मानेंगे हम। ठीक है, तो हमको बस जितना दिया है उतना ही करना है, अपनी ओर से कोई एजम्पशन नहीं लेनी है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो म्युनिसिपल टैक्स के 3,000 रुपये, बाकी के हम बाहर टैक्स में लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद आगे चलते हैं, तो पेमेंट साइड में म्युनिसिपल टैक्स पे चल रही थी, ये हो गया। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस पहले ही ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं फिर भी थोड़ा याद दिला देता हूँ। टूर्नामेंट डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है,
पीछे के लेक्चर्स में मैंने क्वेश्चन में एक जगह लिखा आया था डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, उसमें फंड वर्ड नहीं था इसमें, तो वो हमने इनकम में लिख दिया था। अब की बार डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड आया है, इसलिए ये फंड है, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। फंड जितने होते हो अलग से उसकी अकाउंटिंग होती है। तो ये टूर्नामेंट के फंड हमको मिले हैं 60,000, एक्सपेंसेस हुए 15,000, तो ये हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दिया। तो ये पहले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ। टूर्नामेंट के 60,000 मिले, ये फंड बना दिया, लाइब्रेरी में दिखा दिया, 15,000 एक्सपेंसेस हो गए, बाकी 45,000 फंड में रह गए। ठीक, ये डिटेल में मैंने पहले लिख चुका हूँ, पहले लेक्चर ए पे, पार्ट ए, लेक्चर नंबर 16 में। तो आगे चलता हूँ। डिफेंस बॉन्ड, इसका मतलब हमने डिफेंस डिपार्टमेंट में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उनको लोन दिया है, उनको उधार दिया है, ब्याज पे पैसे दिए हैं, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। डिफेंस डिपार्टमेंट में हमने पैसे इन्वेस्ट किए, ये रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट आपके सामने है, रिसीप्ट पेमेंट इसी साल का है, मतलब इसी साल इन्वेस्ट की है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। इन्वेस्टमेंट असेट होती है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में डिफेंस बॉन्ड्स, डिफेंस बॉन्ड्स 3,50,000, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया, ये हमारा एक इन्वेस्टमेंट है, असेट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगली चीज पर, स्पोर्ट्स मटेरियल। मैंने पहले बता रखा है कि मटेरियल और इक्विपमेंट दो चीज होती है, इक्विपमेंट असेट होती है, बैलेंस शीट में जाती है, मटेरियल यानी कंज्यूमेबल आइटम हुई, एक्सपेंडिचर है, सो ये स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंडिचर्स में आएगा। ये इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर एक्सपेंडिचर साइड में स्पोर्ट्स मटेरियल के 10,000 रुपीस लिख दिए अंदर, इसलिए कि इसमें एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है, आइए देखते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग वाज 8,000। डियर स्टूडेंट्स, ये बता दूं कि क्वेश्चन चूंकि आपके सामने नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, वीडियो ऊपर ओपन कर करके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसको ओपन रखें, क्वेश्चन वहां भी देखते रहे, तो आपको समय में जल्दी आ जाएगा। तो यहां पे मैं पढ़ रहा हूं स्क्रीन पे भी, हाँ है ही सही क्वेश्चन। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट बिगिनिंग वाज 8,000, 8,000 का पहले का स्टॉक भी हमारे पास था, तो 10,000 का अभी परचेस किया है, एड ओपनिंग स्टॉक 8,000, हमारे पास टोटल स्टॉक हो गया 18,000 का। ठीक, अब 18,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक है हमारे पास, इसके बारे में आगे क्या लिखा है, राइट ऑफ 25% ऑफ दिस मटेरियल, इसमें से 25% राइट ऑफ कर दो, मतलब 25% खत्म कर दो, कहने का मतलब 25% मटेरियल कंज्यूम हो गया, उतना कम कर लो, तो 25% मटेरियल कंज्यूम हो गया, उतना हटा दो। इसका दूसरा मतलब होता है, इसका दूसरा मतलब होता है कि 75% बच गया, तो 75% स्टॉक हमारे पास बच गया है। जैसे ओपनिंग स्टॉक ऐड किया था, ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 75% ऑफ द वैल्यू। तो 18,000 का 75%, 13,500 का स्टॉक हमारे पास बच गया, वो माइनस कर दिया हमने, बाकी 4,500 कंज्यूम हो गया, ये हमने एक्सपेंडिचर में दिखा दिया। अब ओपनिंग स्टॉक जो है ये लास्ट ईयर की असेट है, क्लोजिंग स्टॉक जो है ये इस सेशन के एंड की असेट है, तो ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का जो है दिखा दिया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे हम 13,500, ये दिखा दिया। ठीक है, इस स्पेलिंग पे मत जाइएगा, मैं आगे चलता हूँ। तो अगला पॉइंट है, तो हम पहुँच गए थे स्पोर्ट्स मटेरियल में, ये स्पोर्ट्स मटेरियल पेमेंट में से हो गया। अगला रेंट, रेंट का पेमेंट हुआ है 18,000, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, सो एक्सपेंडिचर में लिख देंगे टू रेंट 18,000, ये रेंट हमने एक्सपेंडिचर में दिखा दिया। अब नीचे पढ़े एडजस्टमेंट नंबर फिफ्थ, नीचे देखिए एडजस्टमेंट नंबर फाइव, 6 month rent was due both in the beginning of the year
एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। 6 मंथ का रेंट ईयर बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था, 6 मंथ का रेंट ईयर एंड में आउटस्टैंडिंग है। क्या मतलब भाई, हमने इस साल जितना भी रेंट पे किया है उसमें 6 मंथ का पुराना भी पेमेंट किया होगा, लास्ट ईयर 6 मंथ का रेंट देना बाकी था, यानी इस साल जितना रेंट पेमेंट हुआ है उस 6 महीने का तो लास्ट ईयर का पेमेंट हुआ है, क्योंकि पहले तो हमने पुराना रेंट ही पे किया होगा तो 6 मंथ का वो पेमेंट हुआ है। अच्छा, इस सेशन में एंड में 6 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग चल रहा है, मतलब करंट सेशन के 6 मंथ का रेंट पे नहीं हुआ है, करंट सेशन के 6 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है मतलब पे नहीं हुआ है, 6 मंथ का पेमेंट नहीं हुआ तो कितना पेमेंट हुआ बाकी के 6 मंथ का पेमेंट हो गया, यानी इस साल कितने टाइम का रेंट पे किया हमने, 6 महीने पुराना पिछले साल का बाकी पेमेंट हुआ होगा और इस सेशन के 6 मंथ का रेंट पेमेंट हुआ है, मतलब कितने टाइम का पेमेंट हुआ, टोटल 12 महीने का, यानी 1 ईयर का रेंट पे हुआ है इस साल। सिर्फ रिपीट, हमने इस साल रेंट पे किया है, हमेशा क्या होता है अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या मानते कि जो पहले का ड्यू था पहले तो हमने वो पेमेंट किया होगा और फिर इस टाइम का भी, उसके बाद फिर नया वाला पेमेंट भी किया होगा, ऐसा मान के चलना है हमेशा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्वेश्चन साइलेंट है यहां पे। तो पिछले साल 6 मंथ का रेंट बाकी था तो एक तो हमने वो पेमेंट किया है 6 मंथ का, करंट सेशन के कितने महीने का रेंट पे कर दिया, तो करंट सेशन के 6 मंथ का रेंट बाकी है क्योंकि दोनों टाइम बाकी चल रहा है, बिगिनिंग में भी एंड में भी, तो इस सेशन के 6 मंथ का रेंट ईयर एंड में बाकी था तो बाकी 6 मंथ का पेमेंट हो गया, 6 महीने पुराने 6 महीने अभी के, मतलब 12 महीने का, 12 महीने का, 1 साल का रेंट पे हुआ, कितना पेमेंट हुआ तो 18,000 पेमेंट हुआ, 18,000 12 महीने का है तो 6 मंथ का कितना 9,000 रुपीज, ठीक है दादा 9,000, तो इस 18,000 में से जो लास्ट ईयर का है वो इस साल के एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, तो आउटस्टैंडिंग अब लास्ट ईयर के 9,000 हम माइनस कर देते हैं और इस सेशन का जो बाकी है पेमेंट वो इस साल के एक्सपेंसेस में आएगा, आउटस्टैंडिंग आप करंट ईयर नहीं तो वो आएगा, वो ऐड कर लेते हैं तो बाहर 18,000 आ गया, तो बाहर तो वही का वही अमाउंट आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको वर्किंग नहीं लिखनी, वर्किंग नहीं लिखी तो नंबर कट जाएंगे, अकाउंटिंग तो दिखानी पड़ती, अकाउंटिंग तो करनी पड़ती, हिसाब तो लिखना पड़ता है कि कितने कितना अमाउंट पुराना कितना नया पेमेंट किया, सब नहीं लिखेंगे तो अकाउंटिंग याद कैसे रहेगा कि क्या चीज़ बाकी है, क्या देना है, क्या लेना है, तो ये दिखा दिया 18,000 रेट एक्सपेंसेस में लिख दिए, तो जो 6,000 लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है ये लास्ट ईयर की लायबिलिटी है, इसलिए ओपनिंग लायबिलिटी में हम दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट के 9,000, ये पिछले साल बाकी थे और जो इस साल भी बाकी थे वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम दिखा देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट 9,000 ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दी, दोनों टाइम पे 9,000 पे बाकी थे, दोनों टाइम पे 6 मंथ के बाकी थे, लिख दिया हमने। उसके बाद चलते हैं अगले आइटम पे, देखिए अगला क्या, तो रेंट तक हो गया था, उसके बाद न्यूज़पेपर हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंडिचर हम पहले ही लिख चुके हैं, कैश इन हैंड 1,12,200, तो कैश हमारी असर होती है, ये रिसीव पेमेंट की लास्ट में दिया हुआ है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस हुआ, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट में हम दिखा देते हैं कैश इन हैंड 1,12,200, ये लिख दिया। उसके बाद बैंक बैलेंस भी दिया हुआ है, तो बैंक बैलेंस कितना दिया है 52,400, बैंक बैलेंस 52,400, ईयर एंड का बैलेंस है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश एट बैंक 52,400 ये लिख दिया, लेकिन बैंक बैलेंस के बारे में ब्रैकेट में भी कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इंक्लूडिंग 7,500 ऑफ कोरोना करोड़ रिसर्च, एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है जो हमने अभी पीछे के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में पीछे पढ़ा हुआ था, पिछले लेक्चर्स में पार्ट ए में पढ़ा था, तो वो जो हमको कोरोना करोड़ के पैसे आए थे उसमें से कुछ बचे हुए, तो ये बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है ना 52,400, इसमें से 7,500 एक प्रोजेक्ट के पैसे हैं, तो ये ब्रैकेट में हम दिखा देते हैं, जैसा बोला है क्वेश्चन में हम वैसा लिख देते हैं, इंक्लूडिंग कोरोना करुण रिसर्च ₹7,500, तो कोरोना करुण के इसमें 7,500 इंक्लूड है, ऐसा हमको दिखाना है, ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि पता होना चाहिए कि इसमें किसके पैसे कितने हैं, स्पेशली दिखा दिया जाए, ये दिखा दिया हमने, खैर तो ये हमने लिख दिया। आगे चलते हैं, तो ये हो गया हमारा, सारे रिसिप्ट सारे पेमेंट हो गए,
पिछले तीन लेक्चर से लेके क्वेश्चन हमारा चल रहा है। पिछले दोनों लेक्चर्स में मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज़ समझाई है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा चल रहा था। तो बाकी के आज जो एंट्रियाँ हैं सिर्फ उतना पार्ट ही मैंने कवर किया जितना बोला हुआ, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी कवर नहीं किया है। खैर आगे चलते हैं। तो अब एडजस्टमेंट में अगर चले तो एडजस्टमेंट टू बाकी रह गया है, बस लास्ट एडजस्टमेंट इसको भी कवर कर लेते हैं। क्लब हैज ए लोन ऑफ 20,000 एट 10% पर एनम विच वॉज टेकन इन ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019, यानी पिछला साल। तो पिछले साल हमने एक लोन लिया था 20,000 का, यानी ये ओपनिंग लायबिलिटी हुई, इसलिए हम इसको ओपनिंग लायबिलिटी में लिख देते हैं 10% लोन 20,000 रुपीज, ये हमने लिख दिया लोन लास्ट ईयर केस में। अब इसका अगर रीपेमेंट हुआ होता तो पेमेंट में भी दिखता, पेमेंट में नहीं लिखा है मतलब इसका रीपेमेंट तो हुआ नहीं है, तो इस साल के एंडिंग लायबिलिटी में भी इसको लिखना होगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हमने लिख दिया लायबिलिटी में, क्योंकि वो लायबिलिटी लास्ट ईयर की भी थी, अभी भी पेमेंट तो इस साल किया नहीं है लोन का, कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसा कैसा लायबिलिटी में आ गया। अब 10% इंटरेस्ट की रेट दी हुई है, मतलब इस पे इंटरेस्ट भी देना है हमको। अगर इंटरेस्ट पे कर दिया होता तो पेमेंट में दिखता, पेमेंट में नहीं दिख रहा है मतलब इंटरेस्ट देना है, देना है तो ये भी हमारी लायबिलिटी हो गई। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,000 रुपीस ये हम ऐड कर देते हैं, तो 22,000 रुपीस की लोन लायबिलिटी हो गई। लोन की लायबिलिटी 22,000 की बन गई, 20,000 लोन लिया था, 2,000 उसका इंटरेस्ट बनता है, पेमेंट में नहीं दिख रहा है मतलब पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो भी हमारी लायबिलिटी है और इंटरेस्ट देना, क्योंकि लास्ट ईयर लोन लिया था तो इस साल का इंटरेस्ट बनता है उस पर। अच्छा ये इंटरेस्ट देना है तो इसका सेकंड आस्पेक्ट भी है, इंटरेस्ट देना है तो ये लायबिलिटी तो है, साथ में ये हमारा एक्सपेंसेस भी है। सो एक्सपेंसेस में भी आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 रुपीज, ये हमने दिखा दिया। ठीक, तो इसके साथ हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करता हूँ मैं फटाफट, तो सरप्लस दिखाता हूँ, डेबिट में कम आ रहा है देख लो, अगर डेबिट में डिफरेंस आ रहा है इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस है। क्रेडिट साइड का टोटल है 8,43,700 देख लीजिए, माइनस करता हूँ डेबिट साइड का टोटल 2,19,300, तो ये हमारा सरप्लस आ गया जो बैलेंस शीट में जाके जनरल फंड यानी कैपिटल फंड में एड होगा। ठीक, उसके बाद में हमने पहले के लेक्चर्स में चीजें सीखी है कि असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो ये हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटियां, ये जो हाईलाइट कर रहा हूं ये एक्सटर्नल लायबिलिटियां, और असेट तो आपके असेट साइड में दिख ही रही है ना। अब कैपिटल फंड कितना है ये हमको नहीं मालूम है, जनरल फंड यानी कैपिटल फंड नहीं मालूम कितना है, तो फिर से समझाता हूं। टोटल असेट 2,80,400 की टोटल असेट, इसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी का टोटल 52,000 है, देख लो लायबिलिटी साइड का टोटल, एक्सटर्नल लायबिलिटी 52 माइनस कर देता हूं, टोटल असेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दो तो बाकी बचा जनरल फंड यानी कैपिटल फंड। तो इस ढंग से कैपिटल फंड मिसिंग था, जनरल फंड मिसिंग था, दोनों एक ही बात होती है, तो इसको हमने कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर से। तो ये हमारा जनरल फंड है जो ओपनिंग बैलेंस शीट से निकला, तो ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बनाई थी जनरल फंड कैलकुलेट करने के लिए। इस तरीके से ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है ये हमारी वर्किंग है, ये वर्किंग है, ये पूछी नहीं थी क्वेश्चन में, ये हमने वर्किंग में बनाया है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है ये मैंने आपको आंसर अभी दिया है, पहले कहा था कि बाद में बताऊंगा, पहले वाले लेक्चर में कहा था। तो जनरल फंड या कैपिटल फंड ये हमने कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई, अब क्लोजिंग बैलेंस शीट तो पूछा ही था, तो ये जनरल फंड जो हमने अभी कैलकुलेट किया था ये हमने लिख दिया, और डोनेशन पहले वाले लेक्चर में हमने कवर किया था, ये तीन आइटम हमने पहले के लेक्चर वन में कवर करी थी 16 नंबर लेक्चर में पार्ट ए। मतलब सरप्लस अभी अभी कैलकुलेट किया था हमने, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की लास्ट एंट्री देखो, ये सरप्लस टोटल करके बाहर लिख दिया हमने। ठीक, ये टोटल करके हमने बाहर लिख दिया, बाकी सारी चीज़ें तो अभी हमने कवर करी थी, ये हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। ठीक, बैलेंस शीट भी मैच हो गई और ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई, इनकम एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
तो इस ढंग से आप लेक्चर को धीरे धीरे पढ़ो, देखोगे पास करके रोक के नोट्स बनाते हुए खुद करते हुए चलोगे, समझ में जल्दी आएगा। साथ में क्वेश्चन सामने होना चाहिए, तो क्वेश्चन या तो डिस्क्रिप्शन में नीचे देख लो या नोट कर लो अपने पास, ठीक है, ताकि आप अपनी वीडियो की स्क्रीन बड़ी कर सके अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो। चलें, थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस ढंग से सारे लेक्चर रेगुलर देखते रहेंगे और बिना किसी गैप के देखेंगे, साथ में प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चंस की, बहुत जल्दी समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।